हेलो एवरीबॉडी, शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज जो कविता मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उसका नाम है मस्तक पर आकाश उठाए। श्री गोपालदास नीरज की लिखी हुई ये बहुत ही प्यारी सी कविता। इसमें कवि अपनी प्रेमिका के बारे में क्या सोचता है या वो क्या क्या वो समझता है कि उसको किस तरह का होना चाहिए या वो किस तरह की है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। और इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक मोटिवेशनल कविता है, ये एक एवरेज इंडियन को कैसा होना चाहिए उसको लेकर के बोला गया है। अब ये कवि अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है, अपनी अर्धांगिनी या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है, या ये एक इंसान के बारे में बोली गई कविता है जिसको कि क्या करना चाहिए उस बात के बारे में यहाँ कुछ है, ये आपके लिए जज करने की चीज़ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक लड़की के बारे में कवि ने, जो उसकी प्रेमिका है या जिसको वो पसंद करता है, उसके बारे में बोली गई ये कविता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में मुझे लिखें इस बारे में कि ये क्या है। ओके, चलिए आप क्या समझते हैं। कहता है कवि कि मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। पड़े तुम्हारे पांव जहां हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले तुम्हारा द्वार जिस समय घूंघट खुले उजेरे का, उजेरे उजाला कि जब तुम उठो तभी सुबह हो। जहां तुम्हारे पांव पड़े सुबह का तीर्थ वहीं पे हो जाए। तो पड़े तुम्हारे पांव जहां हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले तुम्हारा द्वार जिस समय घूंघट खुले उजेरे का। छूलो तुम जो दीप सितारा, बन जाए जग का प्यारा, पूनम का दर्पण हो जाए काला देश अंधेरे का। किरणों की कर धनी पहन धरती सोला सिंगार करे, तुम जब अपनी धूप उड़ाओ उड़ती हुई हवाओं से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्लेन प्लेन लाइनें लिखी हुई है। आगे कहता है, तुम जब दो आवाज पहाड़ों की बोली मिट्टी बोले, मिट्टी दबी हुई है, कुचली हुई है, जमीन में है, पहाड़ ऊंचा है, तो बोलता तुम जब दो आवाज पहाड़ों की बोली मिट्टी बोले, तुम जब बोलो तो मिट्टी जो है वो पहाड़ों की बोली बोलनी चाहिए। तुम जब दो आवाज पहाड़ों की बोली मिट्टी बोले, तुम जब छेड़ो तान चांदनी घट घट में चंदर घोले, तुम जब गाने लगो तो चांदनी जो है वो जगह जगह पे घट घट में चंदन घोल दे। मैं रिपीट करता हूं कि तुम जब दो आवाज पहाड़ों की बोली मिट्टी बोले, तुम जब छेड़ो तान चांदनी घट घट में चंदर घोले, तुम जब हो नाराज ध्वस्त हो जाए रूढ़ी पुरातनता, और तुम जब हंस दो प्राण धरा के लिए स्वर्ग मन का डोले। अगर तुम हंस देती हो तो स्वर्ग को भी एक बार लगे कि मैं धरती पे आ जाऊं, और तुम जब नाराज हो जाओ तो ये जो पुरानी रूढ़ीवादी परंपरा है वो खत्म हो जाए। और बजे तुम्हारी पायल जिस दम सूने में वीराने में, बजे तुम्हारी पायल जिस दम सूने में वीराने में, हंसती हुई बहारें बरसे रोती हुई घटाओं से। तुम्हारी पायल अगर कहीं बच जाए तो हंसती हुई बहारें बरसे रोती हुई घटाओं से। घटाएं अगर रो रही हैं, खूब जोरदार बारिश हो रही है, तो वहां से बहारों वाली फीलिंग आने लग जाए अगर तुम्हारी पायल बजने लग जाए। आइए मैं आगे पढ़ता हूं कि तुम उनका श्रृंगार करो। देखिए कवि क्या कहता है कि तुम उनका श्रृंगार करो जिनका पतझारों में घर है, तुम उनका श्रृंगार करो जिनका पतझारों में घर है, तुम उनकी जयकार करो जिनका तलवारों पर सर है, तुम उनको दो मुकुट धरा की धड़कन है जिनकी सांसें, तुम उन पर जलधार झरो जिनका अंगारों का स्वर है। तो कवि अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि उनकी जयकार करो जिनका तलवारों पे सर है, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको मुकुट दो जिनकी सांसें धरती की धड़कन है। तो कहता है कवि, फिर से मैं पढ़ता हूं, लास्ट लाइन है, लास्ट दो लाइन है कि तुम उनका श्रृंगार करो जिनका पतझारों में घर है, तुम उनकी जयकार करो जिनका तलवारों पर सर है, तुम उनको दो मुकुट धरा की धड़कन है जिनकी सांसें, तुम उन पर जलधार झरो जिसका अंगारों का स्वर है, जिनका रक्त सिंदूर सुबह का, जिनका स्वेद सूर्य जग का, स्वेद पसीना को कहते हैं, कि जिनका रक्त सिंदूर सुबह का, जिनका स्वेद सूर्य जग का, उनकी कीर्ति पताका बन तुम फहरो सकल दिशाओं से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। जहां जहां तुम जाओ
रोशनी फैलने लगे, अंधेरा दूर हो जाए, सूरज निकले उन गांवों से। गांव यहां पे जगह के लिए बोला गया कि वेर एवर यू गो द लाइट विल कम देयर, द लाइट विल फॉलो यू। इतनी तेज, इतना तेज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आगे आखिरी कवि लिखता है आखिरी लाइन में कि नयन तुम्हारे दीप बने, जब पूजा हो जग में श्रम की, मेहनत करने वालों की जब पूजा होगी तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो दीप बन जाए। माने दिया जला करके अपन लोग स्वागत करते हैं ना, पूजा करते हैं, उसके लिए बोला गया कि नयन तुम्हारे दीप बने, जब पूजा हो जग में श्रम की, शीश तुम्हारा सीढ़ी हो नव जनयुग के जन संगम की, श्वास तुम्हारी कहे कहानी उन सब मिटने वालों की, जिनकी अर्थी देख ना पाई सेज किसी भी शबनम की। तुम्हारी सांसें उन सारे लोगों की कहानी कहनी चाहिए जिनकी अर्थी देख नहीं पाई थी कभी भी कोई सेज, मतलब जो भरी जवानी में मर गए, जिनकी शादी भी नहीं हुई वो मर गए देश के लिए, तो तुम्हारी सांसें उनकी कहानी कहनी चाहिए। और सबसे पहले रक्त तुम्हारा रवि का भाल करे टीका, सबसे पहले रक्त तुम्हारा रवि के भाल करे टीका। भाल माथा को कहते हैं, सूरज के माथे पे टीका तुम्हारे खून से लगना चाहिए। कि सबसे पहले रक्त तुम्हारा रवि के भाल करे टीका, जिस दिन सुर्ख सबेरा बाहर निकले सर्द गुफाओं से। क्या सुंदर तरीके से बोला गया कविता है, क्या बोले मैं, मतलब जिस दिन सुर्ख सबेरा बाहर निकले सर्द गुफाओं से, तुम निकले जिन गांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। तो ये कवि अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा है।